2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण के लिए नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के द्वारा अलीगढ़ लोकसभा सीट से जाट नेता और पूर्व सांसद और तीन बार के विधायक रहे चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन द्वारा अलीगढ़ लोकसभा सीट से 2024 चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी बनाए जाने के बाद चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मुख्य चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बदायूं में हुई दो बच्चों की हत्या के बाद आरोपी के एनकाउंटर के मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला है। और सबसे बड़ी बात, आज जो कार्यकर्ता है वो सब समाज के हिंदू मुस्लिम दोनों का है, 7000। ये है सिग्नल हमारी पार्टी का और इसी पे चुनाव लड़े। भाजपा ने अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किया, क्या लगता है? देखो, वैसे तो उनकी पार्टी है, वो जाने लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो ये भी कहते कल को नहीं लड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? निर्विरोध कैसे कर देंगे, हम कोई मर गए गाली करते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जब पार्टी अभी तक तय नहीं कर पा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी है।